नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। लक्ष्य ज्ञान अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग का सब्जेक्ट, रीजनिंग और उपलब्ध संख्या कैसे ज्ञात करना है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो मध्य प्रदेश का हाल ही में एग्जाम हो रहा है, उसमें बहुत ही 3 से 4 क्वेश्चन एवरी डे पूछे जा रहे हैं और एग्जाम में ये सीरीज आता ही है श्रृंखला। या तो आपको लुप्त संख्या क्या होगी, या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इस टाइप के जो सवाल है पूछे जा रहे हैं, है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये आप डिफेंड करना है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, तब जाके आप उसको बना सकते हैं। पहाड़े और थोड़ा ये इसके बारे में पता होता है, सीरीज आसानी से बनती है, ठीक है। देखिएगा तो सम संख्या ये आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 है, और विषम संख्या है, विषम संख्या एक विषम संख्या के अंतर्गत आएगा। आपको मैं समय आपको पढ़ा चुका हूँ, नंबर सिस्टम आप वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में। और फिर ये है 5, 7, 9, 11, 13, 15 है ना, ठीक है। तो ये होगा विषम संख्या, यानी ऑड नंबर्स और कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में भी दिया है। तो भाज्य संख्या ये आपकी प्रथम भाज्य संख्या 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 है, ये संख्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या, यानी वे संख्या जिसमें 3 संख्या तक का भाग जाता है, तो वह संख्या भाज्य संख्या, 3 बार जाए और 3 से अधिक हो, ठीक है। अभाज्य संख्या वे संख्या जिसमें केवल केवल उसी संख्या का भाग जाना चाहिए और एक के अलावा, है ना, एक और उस स्वयं के अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं आता है, तो वो हो जाएगा अभाज्य, यानी एक का भाग जाएगा और जो संख्या दी है उसी का भाग जाएगा, उसके अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो वो संख्या हो जाती है अभाज्य संख्या, ठीक है। जिससे मैं लिखता हूँ प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, फिर है ना द्वितीय अभाज्य संख्या 3 है, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19 है, फिर इस टाइप से 23 ये संख्या होगी, है इनफाइनाइट, तो ये संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। तो हम आज सीरीज देखने वाले हैं और सीरीज आपके सामने, ठीक है। चलो डिलीट होता है, चलो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। प्रश्न है आपके नंबर 1, ठीक है। आपको इस टाइप से पूछा जाएगा कि जैसे यहाँ पर सीरीज दिया है कि 2, 4, 6 है इस टाइप, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, और यहाँ पर आपको लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न लिख दिया और यहाँ लिख दिया आपको, है यहाँ लिख देगा कि 16, ठीक है। और आपको दिया जाएगा कि जो प्रश्न चिन्ह दिख रहा है उसके स्थान पर क्या आएगा, है ना, कितना आएगा, 18 आए, बी में दिया आपको, है ना, क्या देगा, ठीक है, 20, सी में दिया 14 और डी में दिया, है ना, डी में दिया रहेगा आपको 21 इस टाइप से, ठीक है। तो आप देखेंगे ये तो सिंपल है, आपका सम संख्या को लेकर के दिया गया है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया 14। तो आपको ये सीरीज देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में एक एक बढ़ रहा, दो दो बढ़ रहा है, माइनस हो रहा, इस टाइप के संख्या से बना होता है सीरीज, ठीक है, तो आपका ये राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है, देखिएगा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया है कि 3 है और 6 है, ठीक है, 3, 6, 11, 18, 3, 6, 11, 18, 27 और मैं लिख देता हूँ 27 के बाद लिखता हूँ, ठीक है, आगे लिखता हूँ आपका आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिएगा 3, 6, 11, 18, 27 और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसको देखिएगा कि उसमें क्या हो रहा है ना, क्या कैसे बनाया गया है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से बना है और क्या आ सकता है, ठीक है।
तो 3 है 6 है 11 है 18 है 27 है और क्या होगा। ठीक है, 2 और 1। ठीक है, देखिए 2 का वर्ग है +1। ठीक है, कितना बड़ा है वह देखते जाएंगे आप यहाँ से यहाँ तक। फिर कितना है, 6 3 11। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिएगा 2 है, 1 का वर्ग करें तो कितना होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 प्लस कर दिया 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 है। ठीक है, इस टाइप से है ना, यहाँ पर मान लो कि इस टाइप से होगा कि 1 का वर्ग किया, ठीक है, 1 का वर्ग और +2 किया तो ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, और उसमें क्या हो सकता है, 6 में है, 6 का देख लीजिए, 6 में क्या है कि यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और 4 में क्या करा, ठीक है, इस टाइप से है, 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग है +2 तो ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और 11 आया है तो 11 में क्या हो सकता है, ठीक है, ये 2 का वर्ग ये 1 का वर्ग +2 और 2 का वर्ग +2 ये होना चाहिए 3 का वर्ग, 3 का वर्ग है और हम एक जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 और सॉरी है ना, 2 जोड़ेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो इस टाइप से उसको बनाया गया है। ठीक है, और ये 18 लिखा है तो यहाँ पर 4 का वर्ग हो सकता है, 4 का वर्ग कितना, 16, और 16 2 है, 4 का वर्ग +2 कितना आ जाएगा, 16 और 18। ठीक है, इस टाइप से होगा, और 27 में भी हो सकता है 4, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 प्लस है ना 2 तो बराबर 27 ही होगा है ना। तो हम है ना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यानी जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आ सकता है कि ये 5 का है तो यह 6 का होगा है ना, 6 का वर्ग यानी 6 का वर्ग +2 कर देंगे तो 6 6 36 आएगा, और 36 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ते हैं तो कितना, 38, यानी आपका आंसर क्या आने वाला है, 38 आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नों में क्या और कैसे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 का वर्ग +2 3 आ जाएगा, 2 का वर्ग +2 है, 1 का वर्ग +2 1 में वर्ग करके +2 किया है तो 3 आ जाएगा, और 2 में वर्ग 4 आ जाएगा और 2 जोड़ेंगे तो 6, 3 का वर्ग 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे 11 और 18 है, 4 का वर्ग है 4 चौक 16 और 2 18 और ये 4 के बाद 5 का वर्ग 25 और 2 27 और तो हम यहाँ लिखेंगे कि 6 का वर्ग होना चाहिए, ये सीरीज चल रही है, 6 का वर्ग +2 कितना, 38। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते रहिएगा। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि चलो देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से है कि ये दिया है एक, यहाँ पर एक दिया है, ठीक है, एक दिया है और कितना है, 4 और 9। ठीक है, 1 for 9 1 for 9 और यहाँ पर लिख दिया 16 है और ये 25 लिखा है, और 25 के बाद फिर आपका यहाँ पर दिखेगा कि प्रश्न चिन्ह है और प्रश्न चिन्ह के बाद लिखा है 49 लिखा है। ठीक है, आपको इस टाइप से लिखा रहेगा प्रश्न में है ना, और लिख देगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आप यहाँ पर लिखिए ए बी, आपको ऑप्शन मिलेगा, सी भी मिलेगा और डी, इस टाइप से मिलेगा, और आपको यहाँ पर दिया है ना, आपको दिया है यहाँ पर इस टाइप से दिया रहेगा कि 30 और 36 और फिर 50 23 या 25 इस टाइप से लगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, उसको देखिए, 1 4 9 16 25 और 49। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, 1 का वर्ग है, 1 यानी 1 का वर्ग है, ठीक है, 1 का वर्ग 1 ही होगा और ये कितना है, 2 का वर्ग है और ये कितना, 3 का वर्ग है। ठीक है, आपको इस टाइप से देखना है, ये 3 का वर्ग है, ठीक है, और ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है तो यहाँ 6 का वर्ग होना चाहिए, कितना, 36 आएगा है ना, क्या आएगा, 36 और ये 49 है, ये 7 का वर्ग है।
ठीक है, इस टाइप से देखना आपको सीरीज में कि क्या आना चाहिए, तो आपका 36 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो डिलीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलो अगला प्रश्न आपका है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि, चलो एक मिनट, अगला प्रश्न चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है। ठीक है, इस टाइप से आपको मैं क्वेश्चन बनाता हूँ कि दी गई, ठीक है, दी गई श्रृंखला में, खला में, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी होगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि, ठीक है, देखिएगा आपका प्रश्न क्या है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 4 है, ठीक है, 4 9 5 लिखा है, 4 9 5, और यहाँ पर लिखा है 49 लिखा है, और यहाँ पर लिख दिया प्रश्न चिन्ह, और आपको यहाँ पर लिख दिया है ना, ठीक है, और आगे लिखा है 100, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। ठीक है, 4 है 9 है 25 49 प्रश्न चिन्ह और 100 हो सकता है, और आपसे पूछा गया कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या। ठीक है, आपको इस टाइप से दिया रहेगा क्या, 81 आएगा और 100 आएगा, ठीक है, या फिर सी में दिया है आपको, ऑप्शन में सी में दिया है, ठीक है, सी दिया है 64, और डी में दिया आपको, ठीक है, आपको दिया है 121, क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सीरीज इस टाइप से होगी। ठीक है, देख लीजिएगा कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ठीक है, ये 5 का वर्ग है, और ये 7 का वर्ग है, तो 7 के बाद देखो संख्या कौन सी चल रही है। ठीक है, संख्या जो आपकी चल रही है वो है अभाज्य संख्या ही है, अभाज्य संख्या का वर्ग ही स्क्वायर है, अभाज्य संख्या यानी 2 से स्टार्ट होती है, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग 6 यानी 7 का, सॉरी यानी 7 का वर्ग, और 7 के बाद जो अभाज्य संख्या होने वाली है वो कौन सी संख्या होगी, क्या 7 के बाद 9 होगी, नहीं 10 होगी, नहीं 11, 11 संख्या का वर्ग कितना होगा, बस यहाँ पर लिख लीजिए 121, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, सही आंसर क्या आएगा, डी वाला 121। तो आपको इसे, ठीक है, ऐसी लॉजिक लगाना है कि ये कैसा हो सकता है। ठीक है, चलो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चलो अगला सवाल है देख लीजिएगा। ठीक है, और संख्या देता हूँ, ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या, ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक सवाल आपका 4:16 लिखा, और यहाँ पर लिख दिया इस टाइप से लिखा है, और यहाँ 8:1 क्या आएगा, यह प्रश्न चिन्ह सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है, 4:16 और समानुपात 8:1 क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, ठीक है, देखिएगा 4 का वर्ग 16, ठीक है, ये 4 का वर्ग कितना है, 16 है, और समानुपात 8 का वर्ग 8 64, तो यहाँ आ जाएगा क्या 64, ठीक है, आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा,
तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वन लिखा है वन और एट सत्ताईस लिखा है, और लिख दिया है यहाँ पर, लिखा है 27 है ना, ठीक है 27 है, और उसके बाद लिखा गया है उसके बाद लिखा गया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिख दिया 125। ठीक है जल्दी से बताइए, कमेंट करना, ठीक है क्या आलस है, 8 1 8 27 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 125। ठीक है देखिएगा, ठीक है सीरीज इस टाइप से बनती है और आपको कभी गलती नहीं करना है, ठीक है वेरी सिंपल है, और ठीक है देखिएगा ये है क्या, एक का वर्ग है, एक का वर्ग नहीं है ना, एक का वर्ग हो सकता है, ठीक है क्या होना चाहिए, एक का वर्ग तो एक ही होगा, लेकिन ये तो 8 है, 8 क्या है ना, यहाँ से पता चल रहा है कि ये घन है, एक का घन और ये 3 का घन है, और ये क्या होना चाहिए, और ये 2 का घन है, सॉरी है ना, ये क्या 2 का घन, ये 3 का घन है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसके हिसाब से सीरीज सीरीज जो श्रृंखला चल रही है सीरीज के हिसाब से अब यहाँ 4 का घन होना चाहिए, और ये तो है ही 5 का घन है ना, 5 का घन, बस इस टाइप से यहाँ पर कितना 6 का घन है, फिर 7 का घन, ये हो सकता है नहीं होगा है, इस टाइप से ये चलो 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का घन, तो 4 का घन यह कितना होगा, 4 का घन कितना हो जाएगा है 4 16, और उसके बाद फिर 16 64 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 आएगा, ठीक है यह आपका आंसर होगा, ठीक है बहुत ही इस टाइप से बनेगा सवाल, और देखिएगा चलो सिंपल तरीके से आपके आंसर पढ़ने वाले हैं और बना सकते हैं, और बहुत छोटे सवाल हैं, आपको थोड़ा सा अभाज्य संख्या पहाड़े और वर्ग घनमूल ये होना चाहिए, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, ठीक है यहाँ पर लेंगे 3 5 7 11, ठीक है यहाँ पर लिखा है 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, और यहाँ पर क्वेश्चन टैग कर दिया है, ठीक है और यहाँ लिख दिया है कि क्वेश्चन के बाद, ठीक है 3 5 7 11, ठीक है यहाँ लिखा है 7 11 लिखा है, ओके 7 11 लिखा है, और यह प्रश्न चिन्ह है और यहाँ लिखिए 17, ठीक है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है क्या है, 3 5 7 11 17 ये है अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही है, तो हम यहाँ पर 3 5 7 11 और 11 संख्या के बाद जो नेक्स्ट आने वाला होता है अभाज्य संख्या हो गया 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, ठीक है ये आपका राइट होगा, ठीक है देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और उसमें देखिएगा चलो 3 1, ठीक है सवाल है आपका, ठीक है 1 3 लिखा है, 1 3 5 7 3 5 7 9 लिखा है, और 9 के बाद 11 11 9 11 लिखा है, और 13 और 9 11 13 17 17 लिखा है, और 21 21 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए, ठीक है देखिएगा आगे क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ठीक है क्या होगा देखिएगा 1 3 5 7 9 11 13 17 21, तो ये कैसे बढ़ रहे हैं,
यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर एक प्लस, दो प्लस, नहीं एक ही प्लस है, एक प्लस है, एक प्लस है, एक प्लस है, नहीं यहाँ तो कितना प्लस आ गया, है 13, और 11 प्लस 13 और ये फिर 17, 4, 4, 21। चलो देखिएगा क्या आना चाहिए, आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, एक का वर्ग है, नहीं एक का वर्ग माइनस एक, तो फिर क्या, नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा ये यहाँ पर लिखा है कि 3 लिखा है, नहीं 2 लिखा है, 3 है 2 है, ठीक है थोड़ा क्वेश्चन है ना, 3 है 2 है 3 है 5 7, और 7 के बाद लिखा है क्या, है ना 11 और 13 लिखा है। ठीक है यहाँ पर ये है और उसको लिख दिया है क्वेश्चन मार्क के बाद, यहाँ पर लिख दिया है 23 लिखा है। ठीक है इस टाइप से, ठीक है सिंपल है, आप देख लेंगे। अभाज्य संख्या का सीरीज है और अभाज्य संख्या सीरीज है, ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा 13, 13 के बाद यहाँ 17 है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपका, है पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है, तो दोनों देख लीजिएगा। ठीक है आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं।